अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड में लेसन नंबर 41। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में ब्रेक कमांड को किस तरह अप्लाई किया जाता है और कितने किस्म की ब्रेक कमांड यूज होती है। तो उसके लिए मैं अपना लेसन ओपन करता हूँ। लेसन नंबर है 41। आज के इस लेसन में हम देखेंगे How to use break a point command? किसी भी ऑब्जेक्ट को break a point किस तरह करते हैं? Purpose of break a point command? Break a point command का क्या मकसद है? Difference between break and break? Difference between break a point and break command? Break a point और break command में क्या difference है? Full description about break a point command. How to break a point of object to use different method. तो आज के लेसन में हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसके लिए मैं अपने लेसन ओपन करता हूँ, अपना ऑटोकैड ओपन करता हूँ। तो मैं यहां से ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया, यस, ओके। तो सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं। तो यूनिट के लिए यू एन एंटर, टाइप्स आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन डी एंटर, मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। सेट करंट एंड क्लोज। तो डियर व्यूअर्स, आज हम लेसन नंबर 41 कर रहे हैं। तो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो प्रीवियस लेसन हमने 40 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपको वो 40 लेसन पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप आप उन पे काम कर सकते हैं। और जहां कहीं से आपको कोई मसला होता है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट्स पे और हमारे जो फेसबुक पेज है उसे लाइक करके आप उसमें अपडेट्स ले सकते हैं। 40 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमें अभी से कमेंट्स देना स्टार्ट कर दें और अपनी राय दें कि इसके बाद हम कौन सा ट्यूटोरियल, कौन से लेक्चर हम बनाएं और कौन से लेक्चर अपलोड करें। तो अपनी कमांड की तरफ जाता हूं मैं। तो कमांड है ब्रेक अ पॉइंट। तो बेसिकली ब्रेक अ पॉइंट कमांड किस लिए यूज की जाती है? तो बेसिकली दो किस्म की कमांड्स हैं, एक है ब्रेक अ पॉइंट और एक है ब्रेक कमांड्स। दो किस्म की कमांड्स हैं, दोनों अपने अपने अलग अलग मकसद के लिए यूज की जाती हैं। दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि दोनों में क्या क्या काम हो सकते हैं, किस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हो। तो मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, मैं रेक्टेंगल एक लेता हूं। मैंने यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल लिया। अब जब सबसे पहली कमांड है वो है ब्रेक अ पॉइंट कमांड, ब्रेक अ पॉइंट कमांड, ब्रेक एट पॉइंट कमांड। ब्रेक एट पॉइंट कमांड जो है उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसमें क्लिक किया मैंने, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता हूं। तो अब देखिए यहां पे मुझे एक्यूरेट जहां से मैंने लिया है उस पॉइंट से क्या क्या इसने ब्रेक कर दिया, ये अलग हिस्सा बन गया और यहां से ये अलग हिस्सा बन गया, आप देख सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूं ताकि आपको इजीली नजर आए, समझ सके आप। देखिए मैंने यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, सिलेक्ट करता हूं तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। मैं इसे ब्रेक एट पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से लेकर यहां तक ब्रेक करना चाहता हूं, क्लिक करता हूं तो देखिए ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इस पॉइंट से यहां तक ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, आप देख सकते हैं। और ये 3 फुट तक ब्रेक हुआ, आप देख सकते हैं नीचे इसने डेस्टिनेशन भी दे दिया कि ये 3 फुट तक क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। तो ये ब्रेक एट पॉइंट कमांड। आप इसी तरह इसी ऑब्जेक्ट को और भी जगह से ब्रेक करना चाहते हैं सिलेक्ट करें, आप देखें यहाँ पे एक अलग से ये अलग से बन गया और ये वाला अलग से बन गया और ये अलग से बन गया, 3 हिस्सों में क्या हो गया हमारे पास कमांड, ब्रेक हो गई है। अब ये कमांड होता है हमारा, ये तरीका होता है हमारा ब्रेक एट पॉइंट। अब ये कमांड जो है आप फॉर एग्जांपल सर्कल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सर्कल पे बेसिकली अप्लाई नहीं होती। मैं ब्रेक एट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप देखें ये सर्कल पे कमांड अप्लाई नहीं हो रही, देखें सर्कल पे कमांड अप्लाई नहीं हो रही। जबकि अगर आप इसे आर्क पे अप्लाई करना चाहें, आर्क पे अप्लाई हो जाती है, ब्रेक एट पॉइंट क्लिक, सेकंड क्लिक, आप देखें यहाँ पे आर्क पे अप्लाई हो गई है, दो इसके डेस्टिनेशन, दो इसके
हिस्से बन गए। इसी तरह आप पॉलीलाइन में अगर इसे अप्लाई करना चाहें तो पॉलीलाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट डिलीट करता हूँ सारे ऑब्जेक्ट को। अगर आप लाइन पे करना चाहें तो देखते हैं कि लाइन पे अप्लाई होती है कि नहीं। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन दे दी। F8 प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए, ब्रेक एट पॉइंट, तो आप देख सकते हैं ये लाइन पे भी कमांड अप्लाई हो रही है। पॉली लाइन पे देता हूँ, देखता हूँ पॉली लाइन पे अप्लाई होती है। F8 पॉली लाइन पे मैंने सेलेक्ट किया। इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, ब्रेक एट पॉइंट, देख सकते हैं यहां तक इसने एक पॉइंट एक कमांड यहां तक तोड़ दिया, दूसरी लाइन यहां तक दे दी है। और भी मैं इसे तोड़ना चाहता हूं यहां से यहां तक, अब देखें यहां तक अलग हो गया, यहां तक अलग हो गया और यहां तक अलग हो गया। तो ये कमांड है हमारे पास ब्रेक एट पॉइंट। तो ब्रेक एट पॉइंट काफ़ी सारी जगह पे यूज़ हो सकती है लेकिन सर्कल पे यूज़ नहीं हो सकती, और सर्कल पे कमांड यूज़ करने के लिए आप ब्रेक कमांड यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो कमांड है वो है हमारे पास ब्रेक कमांड। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में हम ब्रेक कमांड के ऊपर काम करेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह 3-4 हमारी कमांड्स रह जाएंगी। 4 कमांड्स के बाद हम अपना प्रैक्टिकल वर्क प्रैक्टिकली अपने ऑटोकैड पे काम करेंगे। इसमें 2D 3D मैकेनिकल इक्विपमेंट ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस पर डिज़ाइन करेंगे। 2D में एलिवेशन भी बनाएंगे, फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे, सेक्शंस बनाएंगे, उसके अलावा फुल हम प्लान बनाएंगे और 3D में से कन्वर्ट करेंगे और एक फुल एक 3D होम डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल सिंबल भी डिज़ाइन करेंगे इसमें, और साथ में मैकेनिकल इक्विपमेंट भी और मैकेनिकल चीज़ें भी हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, और आप हमें राय दीजिए कि अब हम कौन से लेसन्स कौन से ट्यूटोरियल्स बनाएं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए वेब डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स भी और DIT का फुल कोर्स आप बैठे बैठाए इंटरनेट पे आप फ्रीली सीख सकेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।